हमको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अच्छा, जो एक ग्रीस आती है वो लगाते हैं, उसका क्या फायदा होता है? वो सर वो उससे और मट्टी पकड़ जाती है सर। अच्छा, वो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा सर, वो ना लुब्रिकेंट एंड चैन का क्लींजर, ये दो चीज घर पे भी रखना चाहिए। सर मैं बाइक चला के आया हूँ तो परफॉर्मेंस में एकदम फर्क मालूम पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर संजीव वाशने। तो साथियों, काफ़ी वीडियो अपलोड की हैं जिसमें हमने राइड की है और राइड का एंजॉय भी किया है, और ये बाइक बहुत अच्छी है चलाने में और काफ़ी हम लोग एंजॉय करते हैं, मैं, आकांक्षा और आयुष, और रूटीन में इस बाइक को चलाने में बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। लेकिन अब जैसे वेदर कंडीशन भी चेंज हो रही है, बीच में बारिश भी हो गई थी और भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैंने इसमें नोट किया है जो इसकी चेन है इसके अंदर ये कोरोजन आया हुआ, एक जंग लगी हुई है। और बट ऑबियस, क्योंकि एलॉय मटेरियल होगा, आयरन बेस होगा इसका, तो जब कोई वेट कंडीशन होती है या रेन होता है, पानी तो आएगा ही, तो ये कोरोजन इसके अंदर आ गया है। अब मेरे को ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसको लूप करते हैं या कुछ ग्रीस लगाते हैं और क्या कंडीशन इसमें रहती है। तो साथियों, एक काम करते हैं, क्यों ना चलते हैं सर्विस स्टेशन रॉयल इनफील्ड के, और वहाँ उनसे पता करते हैं कि अगर ये कोरोजन आता है चेन के अंदर तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या इसकी रेमेडी है, तो जिससे कि हमें ये तो लगे कि आगे जो परफॉर्मेंस हमारी बाइक की है वो सही बनी रहे, क्योंकि चेन जो होती है बाइक के अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और वो इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा हमेशा फिट होना चाहिए। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलेंगे सर्विस स्टेशन रॉयल इनफील्ड के और डिस्कस करते हैं वहाँ के स्टाफ से और रेमेडी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं उधर। तो साथियों, चलते हैं सर्विस स्टेशन रॉयल इनफील्ड के और कराते हैं चैन वाला अपना कार्यक्रम। तो साथियों, निकल चुके हैं रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो चैन पे कोरोजन आ गया है उसकी रेमेडी के बारे में पता करेंगे। अभी जिस तरीके से मैं बाइक चला रहा हूँ, वैसे तो स्मूथ चल रही है, ऐसा कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं मालूम पड़ रहा है। एक बार इसका रेमेडी होने के बाद में जब लौट के आएंगे तो कोशिश करेंगे समझने की कि क्या बाइक की परफॉर्मेंस में कोई फर्क आ रहा है। अभी एक जैसे माइंड में ये क्रिएट हुआ था कि जैसे कोरोजन आ रहा है चैन के ऊपर तो हमें कुछ रेमेडी करानी चाहिए, तो देखते हैं क्या सलूशन मिलता और समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोई एक ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, फिर भी ठीक है, जब माइंड में आए हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ साथ राइड का मजा भी ले रहे हैं साथियों। जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पर चल रहे हैं टूवर्ड्स दिल्ली। वाले हैं थोड़ी देर में अपने रॉयल इनफील्ड के सर्विस स्टेशन पर। एक बात तो है साथियों, किसी काम के लिए भी जाना हो, चाहे वो सर्विस के लिए या अपना कुछ अभी चैन का जो जंग आ गया उसके लिए जा रहे हैं या किसी और काम से मिलने के लिए,
गाड़ी चलाने में मज़ा बहुत आता है और उसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं, अब वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये अपना एक इंटरेस्ट है थोड़ा सा, इसमें आनंद मिलता है भाई बहुत। और अपना लेफ्ट टर्न लेंगे इसके थोड़ी देर बाद ही आपको रॉयल इनफील्ड का सर्विस स्टेशन मिलेगा। पहुंच चुके हैं साथी अपने रॉयल इनफील्ड के सर्विस स्टेशन पर, गाड़ी लगाएंगे इधर और बात करेंगे यहाँ के स्टाफ से। तो साथी हो, ये अपने दोस्त हैं शेर खान जी, ये अपने यहाँ के स्टाफ हैं, आ गए हैं। तो शेर खान जी बताओ यार, ये जंग इसमें आ गई है चैन के अंदर जी, तो क्या करना है इसका? सर इस पे ना एक बार चैन क्लीनर करेंगे पहले, उसके बाद चैन लूप करेंगे, फिर सही हो जाएगी बढ़िया। तो अभी जैसे आप आज तो कर दोगे, जंग फूड थोड़ी ज्यादा आ गई है, लगता है कि बारिश होगी उसकी वजह से इसके अंदर ये कोरोजन आ गया है। तो इसको हम खुद भी कर सकते हैं? हाँ आप भी कर सकते हो खुद, तो या 10 दिन में आप कर सकते हो इसको, कोई तो मेरे ख्याल वो करना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है, जरूरी है। तो चैन सही रहेगी तो बाइक चलने में भी मजा आएगा, बढ़िया स्मूथ चलेगी, स्मूथ चलेगी ना। तो अभी दो आइटम मेरे को खरीदे हैं। हाँ जी दो आइटम, आप क्या क्या लूँ? चैन क्लीनर और चैन लूप। ठीक है, तो शेर खान लेके आते हैं चैन क्लीनर चैन लूप, फिर इसको थोड़ा सा आप ठीक करिएगा और कैसे प्रोसीजर होता है बताइएगा हमको। ठीक है, ओके मिलते हैं, फिर लेके आते हैं, थैंक यू। तो साथियों सोल्यूशन ले लिया है इसमें जो कोरोजन आई है चैन का, एक है चैन क्लीनर और दूसरा है चैन लूप, दोनों टोटल कॉस्टिंग आई है 370 रुपीज़, और बताया कि 150 ml ईच है और रॉयल इनफील्ड का ये प्रोडक्ट है, और ये इसका बिल है, टोटल इनवॉइसिंग है आपकी 370 की। तो अभी शेर खां जो ही इज़ बिजी राइट नाउ, ही इज़ कमिंग, सो ही विल डू ऑल दिस एक्टिविटी। और शेर खां आ चुके हैं। शेर खां भाई ये ले लिया है, तो अब देखिए क्या प्रोसेस स्टार्ट करना है। पहले सर आपका ये लगेगा चैन क्लीनर, ओके, फिर उसके बाद ये लगेगा। तो लगाइए फिर गाड़ी को, अपना लोकेशन पे लीजिए फिर लगाइए। अपना प्रोसीजर स्टार्ट करो, क्या करेंगे आप? सर पहले ये ना चाबी इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, ठीक, उसके बाद स्टार्ट करके पहले गियर में लगानी पड़ेगी गाड़ी, ओके ठीक है, ठीक, उसके बाद क्लीनर लेके ये चैन क्लीनर लिया आपने? हाँ जी, वेरी गुड। ये हमको सर यहाँ से मारना है। अच्छा, बस इतना बहुत है। अच्छा, वेरी गुड। ये एक तरीके से इसमें जो कोरोजन होता है, हाँ जी, वो निकल जाता है, निकल जाता है सर, वेरी गुड। उसके बाद सर चैन लूप लेना है, ओके, ये चैन लूप भी आपने? हाँ जी, उसको हमको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अच्छा, बस सर बहुत नहीं, बहुत है, जितना बहुत है। हाँ जी, तो ये जैसे अभी हमने जो दोनों बॉक्स लिए हैं, हाँ जी, तो हम कितनी बार कर सकते हैं? एक बार तो आज ही हो गया, ये सर हो जाएगा कम से कम आपका 5 बार, 4 से 5 बार हो, 5 बार करीब इसको हम कर सकते हैं। हाँ जी, जब भी हमको थोड़ी सी भी कोरोजन दिखाई दे, हाँ, तो ये वाला काम चालू कर दें, चालू कर दो सर। अच्छा, और जो एक ग्रीस आती है वो लगाते हैं, उसका क्या फायदा होता है? वो सर वो उससे और मट्टी पकड़ जाती है सर। अच्छा, तो ये बेस्ट है, ओके, उससे और ज्यादा धूल मट्टी चिपक जाती है। अब जैसे मैं घर से गाड़ी चला के लाया हूँ जी, ऑफिस जाके लेके जाऊंगा तो क्या फर्क मालूम पड़ेगा आपको? पता ही नहीं चलेगा सर, कोई आवाज ही नहीं पता चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। तो शेर खान भाई आपने बहुत अच्छा काम किया हमारा, और हमको एक जानकारी दी। तो साथियों देखिए, बात छोटी सी है लेकिन जानकारी जरूरी नहीं हर एक को हो, तो एक नई चीज हमें मालूम पड़ी कि चैन के अंदर अगर ऐसे कोरोजन आता है तो हमारे पास में ये रेमेडी है, और क्लीनर और चैन लूप ये आप कर सकते। तो एक चैन क्लीनर और चैन लूप हमारे साथ में होना चाहिए। हाँ जी, तो साथियों अभी ये काम हमारा हो गया है, अभी यहाँ एक बार खम्मा जी से मिलते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं कि क्या इसके अंदर फर्क आया। ओके।
धन्यवाद कि आपने हमारे लिए काम किया, ठीक है, और ऐसे आगे मिलते रहेंगे आपसे। ओके सर, थैंक यू। तो साथियों आ चुके हैं मंजरी शोरूम के अंदर, तो साथ साथ देखते हैं यहाँ पर खम्मा जी बैठे हुए हैं। खम्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और खम्मा जी कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। खम्मा जी, खम्मा जी यहाँ पर मंजरी शोरूम में आते हैं और आपसे नहीं मिले तो हमारा दिन बेकार, तो इसलिए आपसे मिलते हैं, खुश हो जाते हैं। कम्प्लीमेंट के लिए सर, और अच्छा लगता है सर आप लोग आके मिलके। एक एक्चुअल में क्या था कि आज मैंने देखा चैन के अंदर जंग आई हुई थी, तो मैं चलो एक बार मिल लेते हैं। तो यहाँ आके मालूम पड़ा कि इसमें एक चैन क्लीनर एक चैन लूब होता है। करेक्ट। तो वो अभी मैंने लिया है और लगवाया है। तो वो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा सर, वो ना लुब्रिकेंट एंड चैन का क्लींजर, ये दो चीज घर पे भी रखना चाहिए। ले लिया ना मैंने अभी। एवरी टाइम यहाँ आके पॉसिबल नहीं होता है, किसी के पास टाइम होता है, कम होता है आजकल। नहीं एक्चुअल में अभी चीज तो मैं पता नहीं थी। अच्छा। लेकिन आज देखा तो मालूम पड़ गया ना। तो अभी हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको भी, क्योंकि अभी ये कंटेंट में बनना है हमारा वीडियो में, तो व्यूअर्स को भी मतलब मालूम पड़ेगा कि हाँ भी ये भी चीज होती है। हालांकि बहुत छोटी चीज अगर देखा जाए तो, बट इसका काम कितना बड़ा है। कि अगर इसमें आपने ये नहीं लगाया और चैन में दिक्कत आई तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बेकार हो गई। बिल्कुल सर, तो ये चीज पे ध्यान रखना होता है, सब चीज के लिए बहुत। तो खम्मा जी बस ठीक है, और ऐसे ही आप हंसते बोलते रह गए, खुश रहा करें ऐसे ही। नमस्कार। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर। ओके, थैंक यू खम्मा जी। तो साथियों अपना ये चैन का काम हो गया है और अभी यहाँ पर अभिनव से मुलाकात हो गई, तो इन्होंने बताया कि इनकी आरसी आ गई है। तो मेरे को तो याद नहीं थी, तो मैंने भी जाके कॉन्टेक्ट किया तो मालूम पड़ा कि मेरी भी आरसी यहाँ पर आ चुकी है। तो साथियों अपनी आरसी भी कलेक्ट कर ली है, तो अभी इसका जो लीगल जो कंप्लाइंसेज हैं वो सब पूरे हो चुके हैं गाड़ी के, और ये सब कुछ हमारे पास में आ चुका है। तो साथियों अभी चलेंगे घर की तरफ और देखेंगे कि अभी जो काम कराया चैन के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहती है। ओके साथियों चलते हैं। अरे साथियों ये जो अभी कराया है काम चैन के अंदर क्लीनिंग का और लूप का, अभी जैसे मैं बाइक चला के आया हूँ तो परफॉर्मेंस में एकदम फ़र्क मालूम पड़ रहा है। जब मैं बाइक लेके आया था उस समय ये थोड़ी टाइट चल रही थी, लेकिन अभी ऐसे स्मूथनेस इसके अंदर आ चुकी है। भाई ये काम तो बहुत ज़रूरी है, ये काम मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, आना चाहिए था। यही छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी है और ध्यान रखनी है, जिससे हमारी बाइक की परफॉर्मेंस हमेशा ठीक रहे। चुके हैं हाईवे पर और चला रहे हैं अपनी बाइक, राइड का एंजॉय ले रहे हैं। एकदम डिफरेंस मालूम पड़ रहा है भाई, इस समय जो बाइक है जो इसमें स्मूथनेस आ गई है वो क्लियरली डिफरेंस है उसके अंदर। बाइक चलाने में काफी मजा आ रहा है इस समय, और एक अच्छा काम जो आज हमने करा लिया बहुत सही रहा। ऐसी छोटी छोटी बात आगे ध्यान में रखेंगे और परफॉर्मेंस गाड़ी का ठीक रखेंगे हमेशा। बहुत खूब, तो साथियों आ गए अपना काम कराने के बाद। देखो आयुष, ये जो चैन में काम हुआ है और जो बाइक चला के आए हैं, तो जो परफॉर्मेंस थी मतलब काफ़ी चेंज है जाने में और जब लौट के आए हैं हम, तो ये काम बहुत अच्छा हुआ है। और ये काम हमको पहले ही करा लेना चाहिए था, लेकिन अब ध्यान रखेंगे इस चीज़ का जो है, और ये जो चैन क्लीनर और चैन लूप लिया है इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो साथियों आई होप जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में थी आपके काम आएगी। ये वीडियो अब हम यही ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।